We are going to ride down to Kanyakumari and back up to Delhi. So हम start करा था हमने Delhi से and we are doing 10,000 kilometers just for one thing to meet all of you. So here we are and होता क्या है मनन भाई कि जब हम यहाँ पे आते हैं आसनसोल and बर्दमान तो ऐसा लगता है कि वापस घर पे आए हैं. ऐसा नहीं लग रहा कि हम घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वापस हम घर पे आए हैं. And this all started I think 5 years ago जब यहाँ पे एक छोटा सा टाउन था, हमें पता भी नहीं था आसनसोल का नाम, और सडनली मोटरसाइकिलिस्ट हमारे को एक बार हाईवे पे मिले. हम राइड कर रहे थे, दो तीन मोटरसाइकिलिस्ट थे हाईवे पे, उन्होंने हमको ऐसे ही रोका, उन्होंने कहा सर एक फोटो चाहिए. और यही चीज से 17 साल पहले हमने एक्सप्रेस भी स्टार्ट करी थी कि हम भी ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट को रोकते थे दिल्ली में वहां पे कि हमें आपकी एक सर फोटो चाहिए, हमें अपलोड करना है हमारे एक फोरम है कॉल्ड XBHP. तो वो जो बड़ी बाइक वाले थे 500 cc का बहुत बड़ी बाइक मानी जाती थी, और वो सिर्फ दिल्ली में 5 या 6 बाइक्स होती थी. तो तब वहां से स्टार्ट हुआ था 17 साल पहले XBHP. आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा बिकॉज आप खुद अभी 18 या 19 या 20 साल के हैं. ये बताइए हु इज 18 हियर? ठीक है, जब आप 1 साल के थे तब XBHP स्टार्ट हुआ था. बिटवीन 20 to 23 कौन कौन है ये देखो, इतने सारे लोग. सो द थिंग इज कि मैं ये चीज, हम ये चीज 17 साल से कर रहे हैं. आपको कुछ कमी लग रही है हमारे जोश में? नहीं. कल रात को 3 बजे आए थे हम लोग, 3 बजे हम सोए हैं, सुबह हम उठ गए, थोड़ा सा लेट हुआ उसके लिए सॉरी, बट आप लोगों को हमने कहा कि आप ब्रेकफास्ट कर लेना, हम बाद में करेंगे, कोई बात नहीं. सो दिस इज, यू नो, ये सब क्यों होता है? 17 साल अगर आप एक चीज कर सको उसका मतलब है आप सही चीज कर रहे हो. आज की डेट में इतने सारे लोग, आप लोगों ने फोन पकड़े हुए हैं, GoPro पकड़े हुए हैं, एक्शन कैमरा पकड़े हुए हैं, क्यों पकड़े हुए हैं? आपका एक YouTube चैनल है, किस किस का YouTube चैनल है यहाँ पे? नहीं, इससे तो ज्यादा है, इससे ज्यादा लोगों ने तो यहाँ पे मेरा वो वीडियो ले लिया बोल के भी YouTube चैनल है. लेकिन जो भी है अगर ये चीज आप इमेजिन करो अपने दिमाग में, आपको ये चीज 17 साल करनी है या आपको करियर बनाना है, जैसे यहाँ पे बुल्लू भाई है और अभी और भी लोग आएंगे जेसन एंड एवरीवन, तो उन्होंने ये करियर बना लिया है अपना. आपको क्या लगता है ये आप कैसे कर सकते हो? जब तक आप फोर्सफुली करोगे, जबरदस्ती करोगे, तब तक आप ज्यादा देर तक नहीं चला पाओगे. मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, क्योंकि आप अभी जो आपकी एज है, आप दूसरों को देखते हैं, आप जो सक्सेसफुल हैं यूट्यूबर्स, आपको लगता है कि हाँ हम भी ऐसे बनेंगे. लेकिन क्योंकि आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, टू ऑल आर स्टिल स्टडिंग. पढ़ाई कौन कौन कर रहा है अभी? ये देखो इतने सारे लोग यहाँ पे, देखो दिखाओ, अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं. तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, पढ़ाई को कभी इग्नोर मत करना, जॉब के लिए मत इग्नोर करना, राइट के लिए मत इग्नोर करना. ये मत सोचना मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मेरे को कितने रुपए मिल रहे हैं यूट्यूब से. नहीं, आपको जिंदगी में एक ही चीज बचाएगी, वो है आपका दिमाग और आपकी पढ़ाई. आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे, राइट? So this is the main thing. So we are not dependent on any one platform. We have studied well and then we started whatever we wanted to do. So coming back to this ride, Manan bhai ne aapko to bata hi diya ki ye kya hai. This is the second version of Road Trip United. Pehle hum aaye the 2017 end mein. And now this is 2021. Ek saal jo tha pura pandemic ki wajah se nikal gaya hai. And now hopefully puri duniya wapas normal hogi and we will be starting to ride again, not only in India but abroad.